आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के जींद में एकलव्य स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2019 का शंखनाद किया है, साथ ही विरोधियों को ललकारते हुए मिशन 70 प्लस का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता को जताया है। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 अखंड भारत की राह में रोड़ा बनी हुई थी। देश की एकता के लिए धारा 370 हटानी बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने 370 वोटों से अनुच्छेद 370 को हटाया। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ उसे 75 दिन में करके दिखाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतना है। यहाँ मिशन 75 पूरा करके विरोधियों को पस्त करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से मैं अपील करता हूँ कि जैसे लोकसभा चुनाव में हमारा साथ दिया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हमारा साथ देकर प्रदेश में भाजपा की सरकार को बनाएं। बता दें कि अमित शाह से पहले रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित किया था। रैली में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पगड़ी पहनाकर और लठ भेंट करके केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। दरअसल बीरेंद्र सिंह ने ही इस विशाल रैली का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। मोदी सरकार के दूसरे चरण में गृह मंत्री बनने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पहली बार अमित शाह हरियाणा में ही आए हैं। ऐसे में रैली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही है। अन्य जिलों से भी पुलिस टीम को बुलाया गया था, जिसमें 3 IPS, 30 DSP, 40 इंस्पेक्टर, 200 महिला पुलिसकर्मी, 1300 पुलिसकर्मी के अलावा घुड़सवार सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। रैली स्थल पर और जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार की गई कि पुलिस की हर व्यक्ति पर नजर रही, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।